आज ज्ञान वाक्य की बात लेते हैं। मन वचन काया की आदतें और उनके स्वभाव को मैं जानता हूँ और मेरे स्वस्वभाव को भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं स्व पर प्रकाशक हूँ। अभी मन की आदतें हैं, नहीं बहन जी बताए स्लो काम करती हो तो देह की आदत है। मन नेगेटिव बताता है, किसी के लिए अच्छा बताता है, किसी के लिए नेगेटिव बताता है, तो वो भी मन की आदत है। वाणी कभी कड़ू निकल जाती है, कड़वा वाणी निकलती है, कभी मीठी वाणी निकलती है, कभी आग्रही वाणी निकलती है, वो वाणी की प्रकृति है। तो मन की आदत है, वाणी की आदत है और देह की आदत है। वो आदत मन वचन का है कि आदत और उनके स्वभाव, उनका स्वभाव यानी इंटेंसिटी। कोई आदत माइल्ड है, कोई स्ट्रांग है, तो ज़्यादा लेयर्स वाली है तो ज़्यादा प्रतिक्रमण करेंगे तब खत्म होगी, और माइल्ड है तो दो चार प्रतिक्रमण करेंगे तो आदत चेंज हो जाएगी। तो मन वचन का है कि आदतें और प्रत्येक आदत का अलग अलग स्वभाव इंटेंसिटी, वो सभी को मैं जानता हूँ और मेरे स्वस्वभाव को भी मैं जानता हूँ। ये होता क्या, गलती कहाँ हो जाती है? मेरा प्रकृति है बहुत इमोशनल है, मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हूँ, तो मैं होती हूँ या प्रकृति होती है? कोई बोलेगा मेरा जरा क्रोध वाला स्वभाव, मैं बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाता हूँ। अरे क्रोध तो प्रकृति में है, आप में नहीं है। तो ये जो प्रकृति में हो रहा है, कोई बोलेगा मुझे बस लोगों का नेगेटिव दिखता है, मेरा नेगेटिव स्वभाव हो गया। अरे तुम्हारा नहीं होता है, प्रकृति काम कर रही है। मैं बातचीत करने में उग्र हो जाता हूँ, जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, तो कि नहीं ये प्रकृति हो रही है, आप नहीं होते हो। तो यहाँ पहले भेद ज्ञान की जागृति रखनी है। प्रकृति में होता है, मन में होता है, तो हम पूछे क्या बाहर निकल जाता है किसके साथ? नहीं नहीं, बाहर तो किसी के साथ व्यवहार बिगाड़ते नहीं, मन में होता है, तो समझो मन की प्रकृति है। कभी वाणी से निकल गया तो वाणी का डिस्चार्ज भाव है, वर्तन हो गया आचरण में आया तो भी डिस्चार्ज है। तो मन वचन का है डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज में उसकी आदत अनुसार प्रकृति खुली होती है, व्यवहार होता है। तो हमें ये जागृति रखनी है, मन की आदत है, वाणी की ऐसी प्रकृति है, देह की ऐसी प्रकृति है, उसको जानने वाला मेरा स्वभाव है और मेरा स्वस्वभाव को भी मैं जानता हूँ। मेरा स्वस्वभाव क्या है? अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, ज्ञाता दृष्टा, तमाम संगी क्रियाओं से असंग हो, लेपायमान भाव से निर्लेप, वो मेरा स्वस्वरूप है। तो यहाँ जागृति रखनी है। गलती कहाँ हो जाती है? मन की आदत को मेरी आदत है, वाणी की आदत मेरी हो जाती है, ये जुदापन रखना है। ये फाइल वन की आदत है, मेरी नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मेरी प्रकृति यानी मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। मन क्या है, कैसा है, वाणी कैसी निकलती, किसके साथ आचरण कैसा होता है, उसको जानने वाला मेरा स्वभाव है। तो आज हम ये जुदापन रखेंगे, प्रकृति का स्वभाव एंड मन वचन का है कि क्रिया का स्वभाव, और हम शुद्ध आत्मा का स्वभाव। हम प्रकृति का स्वभाव विनाशी है और अवस्था चेंजेबल है, हम जानने वाले देखने वाले हैं। हम तन्मय आकार नहीं होना है, और प्रकृति को मेरा होता है, मुझे ऐसा होता है, ऐसा भी मानने की ज़रूरत नहीं। मैं ही जागृति रखती हूँ, दीपक का प्रकृति स्लो है या ये है वो है, मैं दीपक की प्रकृति, मैं नहीं। दीपक तू जरा मजबूत हो जा, स्ट्रांग निश्चय कर, शक्ति मांग दादाजी से, जुदा रख के उसके पास कराने का। प्रकृति का मालिक दीपक, मैं शुद्ध आत्मा, मैं ज्ञाता दृष्टा। तो ये जुदापन की जागृति रखने से, तन्मय आकर नहीं होने से, धीरे धीरे प्रकृति की आदत की इंटेंसिटी कम होते होते ख़त्म होते जाएगी। और डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज यानी 10 में से 9 होएगा, 9 में से 8 होएगा, 8 में से 7, उसका जुदा देखो। तो ये हम क्या बताते, दादाजी ने ज्ञान वाक्य क्या बताया? मन वचन का है कि आदत और उनके स्वभाव को मैं जानता हूँ और मेरे स्वस्वभाव को भी मैं जानता हूँ। तो हम सामयिक में ये देखना चाहते हैं कि मन की क्या आदत है, उसका क्या इंटेंसिटी है, क्या स्वभाव है, वाणी की क्या, किसके साथ कैसे व्यवहार करता है, जो हमें रिस्पेक्ट दे उसके साथ मीठी बातें करेंगे, हमारे अंडर एंड आ गया तो जरा स्ट्रांग बात निकल जाती है, तो वाणी की आदत है, किसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। आचरण भी देखो, प्रकृति का स्वभाव क्या है, स्टडी में लो, और जुदा देखो, फाइल वन का प्रकृति का स्वभाव है, विचार वाणी वर्तन, कड़ू है मीठू है, मीठा है या कड़वा है, इमोशनल है या शांति से बात करता है, स्लो है या फास्ट है, ये प्रकृति का स्वभाव है, उसको हम जानना है, जुदा देखना है। मेरा है ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं, मेरा तो ज्ञाता दृष्टा, वो मेरा
स्वस्वभाव है और क्रियाशील हो प्रकृति का स्वभाव, दोनों को जुदा रखना है।